गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले रॉयल इनफील्ड हिमालयन 2021 BS6 का एक वॉक अराउंड, साथ ही बात करिए उन चेंजेस के बारे में जो कंपनी ने 2021 में इसमें किया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले बात करेंगे इसके ऊपर होने वाले सबसे बड़े चेंज के बारे में। कंपनी ने इसके ऊपर दिया एक ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम जो कि इसके डिजिटल एनालॉग मीटर की खूबसूरती को और बढ़ा देता है, और इस पर आपको बहुत प्यारे से पैनल देखने को मिल जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 मीटर का एक सेटअप सा दिख जाता है जो आपको एक हाई एंड बाइक की फीलिंग देता है। और रात को इसकी लाइटें जब चमकती है तो आपको लगता है कि आप एक बहुत हाई एंड बाइक पे बैठे हुए हो। इसमें कुछ डिजिटल भी है, कुछ एनालॉग भी है जो कि परफेक्ट ऑफ रोड बाइक में होना चाहिए। फ्रंट की बात करेंगे तो इसका विंडशील्ड का साइज जो है पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ा कर दिया है। ये आपको हेल्प करेगा विंड ब्लास्ट में। जब भी आप हाईवे पर 80 या 90 पे क्रूज़ करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसके अलावा कंपनी आपको देती है इसमें 241 mm का टेलीस्कोपिक फोग विथ 200 mm का जो स्पेस यहाँ पर दिया गया जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपको ऑफ रोड में काफ़ी हेल्प करता है। एक और चेंज जो इसमें किया है कंपनी ने, इसमें दिया एक टॉप रैक जो कि इसको उन्होंने ग्रैब रेल के साथ ही ऐड कर दिया है जो कि खूबसूरत भी दिखता है और ये आपको गाड़ी को आगे पीछे करने में भी हेल्प करता है। और साथ ही इसके ऊपर जो है आप मैक्सिमम 7 kg लोड कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा लोड करना नहीं होता इसके ऊपर क्योंकि इस पर पैनियर लग जाते हैं। इस पर ऑलरेडी पैनियर लगाने का स्पेस पहले से दिया हुआ कंपनी ने, तो सारा वेट इसके साइड में हो जाता है। बात करें इसके फ्रंट टायर की तो कंपनी इसमें दिया है 21 इंच का टायर जो कि काफ़ी वाइड है, और इस पर 300 mm का डिस्प्ले और ड्यूल चैनल ABS है जो कि स्विचेबल है, और इस पर जो टायर है वो स्पोक टायर है, इस पर ट्यूबलेस टायर नहीं है क्योंकि कंपनी ये दावा करती है कि ऑफ रोड के लिए स्पोक टायर जो है, स्पोक व्हील जो है काफ़ी मजबूती देता है। और बात करें इसके पिछले टायर की तो कंपनी ने इसमें पिछला टायर दिया है 17 इंची का जो कि अगले टायर के मुकाबले काफ़ी छोटा है। ये आपको एक परफेक्ट ऑफ रोड एडवेंचर बाइक का लुक देता है। आगे से काफ़ी उठा हुआ लगता है, पीछे डाउन लगता है जो कि आपको परफेक्ट एडवेंचर बाइक का लुक देता है। बात करें इसके कलर की तो पाइन ग्रीन है, 2021 BS6 में लेटेस्ट कलर है और ये मुझे काफ़ी पसंद आया था क्योंकि काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था मुझे ये कलर। तो वो सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को मिराज सिल्वर भी पसंद आ सकता है, किसी को ग्रेनाइट ब्लैक भी पसंद आ सकता है, वो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे तो ये कलर काफ़ी अट्रैक्टिव लगा था तो मैंने इसे परचेज़ किया था। बात करें इस पैनल की तो कंपनी ने ये पहले के मुकाबले शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पे एक फाइबर का पीस लगा दिया जो कि ब्लैक कलर का है, तो कंपनी ने ये पहले के मुकाबले शॉर्ट कर दिया लुक को एनहेंस करने के लिए। बात करें इसके इंजन की तो कंपनी इसमें देती है आपको 411 cc का व्हर्लपूल इंजन और 24.3 HP की पावर देता है 6500 RPM पर, और 32 Nm का टॉर्क पैदा करता है ये 4 से 4500 RPM पर। साथ ही मिल जाता है आपको 5-speed गियरबॉक्स। बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की जो आपको मिल जाता है 220 mm जो कि काफ़ी अच्छा है और ऑफ रोड में आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। और साथ ही कंपनी इस पर देती है आपको बेस पे एक प्लेट लगा के जो कि आपके इंजन के चैम्बर को सेफ रखती है, और काफ़ी बढ़िया है यार ये कंपनी आपको पहले से लगा के देती है, आपको बाहर से परचेस नहीं करना पड़ता है। बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की जो कि 15 लीटर की आपको मिल जाती है जो कि काफ़ी सही है और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूर कहीं कर रहे हो तो आपको जो साइड बॉक्सेस आते हैं फ्यूल के वो लगाने ही पड़ेंगे। ये बात करते हैं इसके हैंडल बार की, आपको मिल जाता है एक पासिंग स्विच और एक हाई बीम लो बीम का स्विच मिल जाता है, टर्न लाइट मिल जाती है, एक हॉर्न मिल जाता है, और राइट हैंड पे आपको मिल जाता है एक किल स्विच, एक पार्किंग लाइट और एक सेल्फ बटन। इसका स्विच स्टार्ट करके देखते हैं एक बार। तो स्विच ऑन, तो ये स्विच ऑन हो गया है, आप देख सकते हो। इस पर आपको मिल जाता है एक फ्यूल गेज, एक कॉम्पास मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ पे ट्रिपर मीटर मिल जाता है जो कि आपको ट्रिप बाई ट्रिप इंडिकेट करता रहता है, एक आपको RPM मीटर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक क्लॉक मिल जाती है, यहाँ पे आपको ऑडोमीटर मिल जाता है, और ये आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है। यार ज़्यादा कुछ चेंजेस तो करे नहीं थे कंपनी ने, बस 1-2 चेंजेस ही करे थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो को करते हैं यहीं एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।